आज हम बनाएंगे मेथी और मटर की मुठिया। ये देखिए कितनी अच्छी बनती है, आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनती है। आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय किचन। टीना किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम मिक्सी का जार लेंगे, इसमें डालेंगे हम 3 हरी मिर्ची। हरी मिर्ची को रफली काट लिया है मैंने यहाँ। एक बड़ा टुकड़ा लेंगे हम अदरक का, अदरक को भी मैंने मोटे टुकड़े में काट लिया है। 5 से 6 का ले लेंगे हम लहसुन। सबसे पहले हम तीनों चीजों को एक बार ग्राइंड कर लेते हैं। ये देखिए तीनों चीजों को अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, एक बड़े बर्तन में हम निकाल लेंगे इसे। अब इसी जार में हम मटर को ग्राइंड करेंगे। मैंने यहाँ 1/2 कप मटर लिया है, मटर को हम ग्राइंड कर लेंगे दरदरा। ये देखिए मटर को हमने ग्राइंड कर लिया है दरदरा, मटर को भी हम इसमें निकाल लेंगे ग्राइंड करने के बाद। मटर और मेथी की मुठिया बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए। अब इसमें डालेंगे, मैंने यहाँ 1/2 किलो मेथी ली है, फ्रेश मेथी। इसे हमने अच्छे से धो लिया है और बारीक चॉप कर लिया है। मेथी को मैंने यहाँ बारीक चॉप कर लिया है धोने के बाद। 1/2 किलो मेथी ली है मैंने यहाँ, मेथी को हम इसमें डाल देंगे। अब इसमें डालेंगे हम 2 चम्मच व्हाइट तिल, व्हाइट तिल हमें 2 चम्मच लेना है। अब इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून अजवाइन, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून डालेंगे रेड चिल्ली पाउडर, ये आप कम ज्यादा कर सकते हैं। 2 टीस्पून डालेंगे हम धनिया पाउडर, नमक डालेंगे हम टेस्ट के अनुसार। अभी हमें इसमें आटा भी डालना है। 1 टीस्पून लेंगे हम साबुत जीरा, 1 टीस्पून लेंगे हम सौंफ, 1/2 टीस्पून लेंगे हींग, हींग का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। सभी मसालों को मेथी में हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। इस तरह से हमें मिक्स करना है। इसमें डालेंगे 1 टीस्पून शुगर, शुगर से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा, जो तीखापन रहता है वो भी बैलेंस हो जाएगा और एक अमेजिंग टेस्ट आता है थोड़ी सी चीनी डालने के बाद। अब इसमें डालेंगे 2 कप गेहूं का आटा, 2 कप गेहूं का आटा लिया है मैंने यहाँ। 1 कप लेंगे हम यहाँ सूजी, सूजी हमें 1 कप लेनी है। अब इसमें डालेंगे 1/2 कप बेसन, 3 चम्मच डालेंगे हम इसमें तेल, 3 चम्मच तेल लेंगे, खाने वाली चम्मच लेंगे मेजरमेंट, ये देखिए छोटी स्पून लेना हमें 3 चम्मच भर के। 1/2 टीस्पून लेंगे हम बेकिंग सोडा। अब इसमें डालेंगे 1 चम्मच नींबू का रस। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे मेथी के अंदर। इस तरह से हमें एक डो रेडी करना है सभी चीजों को मिक्स करके। आप मसाले कम ज्यादा कर सकते हैं, जैसे चिल्ली पाउडर है, नमक है, आप टेस्ट के अनुसार डाल लीजिए। इसमें सभी चीजों को अच्छे से मिक्स करेंगे और थोड़ा पानी डाल के हम एक डो रेडी करेंगे। सबसे पहले हम मिक्स करेंगे, उसके बाद जरूरत के अनुसार हम पानी डालेंगे और एक डो लगाएंगे। इसमें डालेंगे हम थोड़ा थोड़ा पानी, हमें जरूरत के अनुसार थोड़ा थोड़ा पानी लेना है और एक डो रेडी करना है। जब तक हमारा डो रेडी हो रहा है तब तक आप प्लीज वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए न्यू वीडियोज के लिए। ये देखिए डो हमारा रेडी हो गया है, इसे हम 15 मिनट के लिए छोड़ देते हैं सेट होने के लिए। डो हमारा अच्छे से सेट हो गया है। मैंने यहाँ छलनी ली है स्टील की, ये देखिए इसमें मैंने ग्रीस कर लिया है ऑयल से। अब हम थोड़ा डो लेंगे। सबसे पहले हम हल्का सा ऑयल लगा लेते हैं हाथ पे, हाथ पे मैंने यहाँ ऑयल ले लिया है हल्का सा। अब इसकी हमें मुठिया बनानी है, इस तरह से हम मुठिया बना लेंगे। ये देखिए पतली पतली मुठिया बना ली है मैंने यहाँ। इस तरह से हमें मुठिया बनानी है और इस छलनी में रख देंगे। इसी तरह से हम पूरी छलनी में मुठिया बनाकर रख लेते हैं। ये देखिए इस तरह से हमने मुठिया बना ली है, इसे छलनी में रख लिया है। अब हम इसे स्टीम करेंगे। ये देखिए मैंने एक बर्तन में यहाँ पानी बॉइल होने के लिए रख दिया है, इसके ऊपर हम छलनी रखेंगे
और इसे ढक देंगे। इसे ढककर हमें 15 मिनट के बाद चेक करना है। स्टीम होने देते हैं इसे हम। सबसे पहले हम हाई फ्लेम पर करेंगे 5 मिनट के लिए, उसके बाद हम मीडियम फ्लेम पर करेंगे 10 मिनट के लिए। ये देखिए, अब इसे चेक करते हैं हम। ये देखिए मुठिया हमारी बन गई है, आप देख सकते हैं बिल्कुल नहीं चिपक रहा है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और नीचे उतार लेंगे, ठंडा करेंगे इसे नीचे उतार कर। मुठिया हमारी ठंडी हो गई है। इसे आप कोई भी शेप में काट सकते हैं, मोटा पतला जो भी आप काटना चाहें किसी भी शेप में काट सकते हैं। इसे ठंडा होने के बाद कट करें। इसे हम एक एक इंच में कट कर लेंगे इस तरह से। देखिए सभी को मैंने यहाँ कट कर लिया है। इसे थोड़ा आप टेस्ट कर लीजिए इसमें नमक मिर्ची बराबर है कि नहीं। अगर इसमें कम लग रहा है तो जब हम इसमें तड़का लगाएंगे तब हम इसमें ऊपर से ऐड कर सकते हैं। इसे हम टेस्ट कर लेंगे थोड़ा। इसमें नमक और मिर्ची दोनों बराबर है, फिर भी मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल करूंगी ऊपर से एक अच्छा टेस्ट देने के लिए। गैस पर मैंने यहाँ कढ़ाई रख ली है। इसमें एक बड़ा चम्मच लिया है मैंने तेल। तेल को हम गर्म कर लेंगे। गर्म तेल में डालेंगे एक चम्मच साबुत धनिया, एक चम्मच डालेंगे राई, एक चम्मच डालेंगे व्हाइट तिल। चलिए हम थोड़ा रोस्ट कर लेंगे। ये देखिए राई, तिल, धनिया सब तिड़क गया है। अब इसमें डालेंगे जो मुठिया हमने रेडी की है वो डाल देंगे। डालने के बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। इसे हमें थोड़ा रोस्ट करना है, 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह से पकाएंगे। इसके ऊपर मैं थोड़ा सा स्प्रिंकल कर रही हूँ सॉल्ट, नमक डाल रही हूँ और थोड़ा डालेंगे हम इसमें लाल मिर्ची पाउडर। आप चाहें तो इसमें नींबू का रस ऊपर से भी डाल सकते हैं। अब इसे फिर से हम रोस्ट करेंगे मिला के। 3 से 4 मिनट के लिए इसी तरह से हम मिलाते हुए रोस्ट करेंगे। ये देखिए मुठिया हमारी अच्छे से रोस्ट हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे और नीचे उतारेंगे। देखिए कितनी अच्छी मुठिया हमारी बनी है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें न्यू मोर रेसिपीज के लिए। हम जल्द एक न्यू रेसिपी के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।